सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इजीली आप फुल एचडी में बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। एचडी नहीं बल्कि अल्ट्रा एचडी बैकग्राउंड्स देखने को मिलेंगे, एक या दो जितना भी होगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। एंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि आपको ये वाली एडिटिंग सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको सिंपली इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप इजीली मेरी तरह इस तरह की अपना फोटो को बना सको, मतलब नॉर्मल फोटो को जिस तरीके से एडिटिंग कर सको। तो अगर आप सीखना चाहते हो गाइस तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आपको पता है सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप को ओपन करके सिंपली ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा बैकग्राउंड एंड पीएनजी का लिंक, मतलब एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और आपको वहां बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। बाकी आपको सिंपली सबसे पहले ड्रॉ वाली ऑप्शन पे आ जाना है। ड्रॉ वाली ऑप्शन पे आने के बाद इसमें सबसे पहले ऐड ऑब्जेक्ट को प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेयर्स पे देख लेना पहले, एंड फोटो को प्रेस करके सिंपली आपको ये वाली पीएनजी को ऐड करना होगा जो कि भाई गोस्ट की पीएनजी है। तो सिंपली यहाँ मैं खिड़की पे ऐसे सेट करूँगा कि लगेगी भाई पीछे से जो मतलब खिड़की के बैक साइड है वो जो गोस्ट है वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखाना है, तो इस तरह से सेट करेंगे एंड ऑपोजिट को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा रियल लगे, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हो भाई एक भयानक सी लग रही है। एंड उसके बाद एक और पीएनजी ऐड करूँगा, तो सिंपली एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। तो कैसे करते हैं आपको देख लेना कैसे कर रहा हूँ मैं, वैसे आपको फॉलो करना होगा एंड यहाँ से ऐड करके इस तरह से सेट करना होगा ये वाली पीएनजी को जो कि पेपर्स वाली पीएनजी है। तो आप इसे मैनुअली सेट कर सकते हो इरेज कर करके, तो देख लेना आपको जैसे ठीक लगे वैसे सेट कर लेना। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे मैसेज जरूर करना इंस्टाग्राम पे। वेल इस वाली मैंने पीएनजी को ऐड करा है, तो सेम आपको न्यू लेयर क्रिएट करके इस तरह से एक ये वाली पीएनजी को ऐड करना है जो कि रोप की पीएनजी है ब्लर वाली। तो ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, सिंपली एक न्यू लेयर अगेन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से क्रिएट करने के बाद आपको ऐड फोटो को मतलब ऐड ऑब्जेक्ट को प्रेस करके फोटो को प्रेस करना है एंड ये वाली पीएनजी मतलब कि अपना एक मॉडल पीएनजी को ऐड करना होगा या फिर फोटो को ही ऐड कर लेना। यहाँ से आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो या फिर मेरी आप ये वाली वीडियो को देख लेना, इस वाली वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया हूँ कि कैसे आप इजीली बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। वेल एक और न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको सेलेक्ट कलर को प्रेस करना होगा और यहाँ से सिंपली मैं कलर चूज़ करूँगा, तो हल्का मतलब सॉरी डार्क वाली ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा, एकदम डार्क एकदम मतलब ब्लैक टाइप से रहना चाहिए वैसे वाला आपको सेलेक्ट करना है, लाइट सेलेक्ट नहीं करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा। एंड सिंपली ब्रश वाले आइकन को प्रेस करके यहाँ सेटिंग कर लेना है ब्रश की। वेल सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली इस तरह से ड्रॉ करना होगा, शैडोज क्रिएट करना होगा जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको ये वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि पार्टिकल्स वाली पीएनजी है। तो सिंपली आपको इस तरह से पहले फुल स्क्रीन पे ले आना है जैसे कि यहाँ पर मैं लाया, एंड उसके बाद आपको सिंपली पहले मैं सेट कर लेता हूँ अच्छे से ट्रांसफॉर्म को प्रेस करके एंड यहाँ से डन कर देंगे। देन नॉर्मल जो मोड है नीचे पे ओपेसिटी के ऊपर वाली जो ऑप्शन देखने को मिलेगा उसे प्रेस करके लाइट एंड मोड करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड है वो हट जाएगी, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड थी वो हट गई। एंड ओपेसिटी को ऑब्वियसली थोड़ा सा कम कर देना ताकि जो ब्लू वाली थोड़ी सी इफेक्ट है एंड पार्टिकल्स है वो थोड़ी सी कम हो जाए, लाइक आप यहाँ देख ही सकते हो। एंड उसके बाद आपको फिलहाल इसे डन कर देना है, एंड डन करने के बाद आपको सिंपली टूल्स को प्रेस करके एडजस्ट को प्रेस करना होगा एंड इसमें ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद इरेजर को प्रेस करेंगे और इरेजर को प्रेस करने के बाद आपको सिंपली इनवर्ट को प्रेस करना है एंड ब्रश वाली सेटिंग करना, मतलब ब्रश के ऑप्शन को प्रेस करके सेटिंग करना है जैसे कि यहाँ बस मैं कर रहा हूँ। वैसे सेटिंग करने के बाद आपको जूम करना है अपने हैंड पे जैसे कि यहाँ पर मैंने करा एंड इस तरह से लाइटिंग कर रहा हूँ अपने हैंड पे, आप यहाँ देख ही सकते हो अपने कपड़े पे। तो वैसे ही आपको लाइटिंग करना है ताकि आपकी जो फ़ोटो है वो थोड़ी सी बर एंड डॉज वाली इफेक्ट देखने को मिले आपके फ़ोटो में, जैसे कि मेरे फ़ोटो में आप देख ही सकते हो। मैं अपने शूज़ पे भी करूँगा, हेयर पे भी करूँगा एंड फेस पे भी कर सकते हो चाहो तो। वेल यहाँ से अब मैं कर दूँगा डन, एंड डन करने के बाद अब मैं सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन को ओपन करूँगा एंड यहाँ से अपना फ़ोटो कर लूँगा सेव। और फोटो को सेव करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, पिक्सल ऐप को क्लोज करके लाइट रूम ऐप को ओपन करना है एंड लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद सिंपली यहां से मैं अपना फोटो को ऐड कर लेता हूं।
यहाँ से फोटो को ऐड करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ये वाली ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ आपको क्लैरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से क्लैरिटी को इंक्रीज करेंगे और उसके बाद चाहो तो आप विगनेट को माइनस कर सकते हो, बट मेरी मानो तो विगनेट को माइनस मत करना, बेकार से लग रही है, तो इसे रहने देते हैं। देन उसके ऊपर वाले ऑप्शन पे आके यहाँ थोड़ा सा एंड टिंट को भी थोड़ा सा माइनस कर लेना, ताकि जो हमारी बैकग्राउंड है एंड जो हमारे मॉडल है वो मैच हो सके। देन मिक्स टैब को ओपन करके यहाँ थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेते हैं, एंड कलर करेक्शन करेंगे उसके बाद हमारी फ़ोटो और भी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। तो यहाँ हो चुकी है कलर करेक्शन, एंड उसके बाद आपको लाइट करेक्शन करना होगा, जैसे कि यहाँ बस मैं कर रहा हूँ एक्सपोजर को माइनस वगैरह करके, बट शेडोज़ को इंक्रीज करना, ब्लैक्स को इंक्रीज कर सकते हो, वाइट को माइनस कर देना, एंड देख लेना अपने हिसाब से। एंड आप यहाँ देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर में भाई हमें बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखने को मिली है, बैकग्राउंड से मैच हो गया हमारी फ़ोटो। तो आप इजीली इस तरह से एडिटिंग कर सकते हो अपने मोबाइल पे। वेल, मैं आपको बताने वाला था कुछ ऐसे वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, मतलब ऐसे वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो HD एंड अल्ट्रा HD बैकग्राउंड्स आपके एडिटिंग के लिए। तो बहुत सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये वाली जो वेबसाइट है वो भाई बहुत ही काम आते हैं, तो इसमें आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, बाकी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो। वेल, चलिए गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।